दोस्तों कई बार यूरोप और यूरोपियन यूनियन के बीच हम कंफ्यूज होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंसेस को जानते हुए इन्हें मैप में भी लोकेट करेंगे। दोस्तों यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया के वेस्ट और अफ्रीका के नॉर्थ में लोकेटेड है। एशिया से इसका लैंड कनेक्टेड है और उरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कॉकेसस माउंटेन्स यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग यूरोप में 44 कंट्रीज हैं और 4 एरियाज ऑफ स्पेशल सोवरेनिटी। इस डेटा में आपको कई जगह डिफरेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि यूरोप के बॉर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। तो इन कंक्लूजन यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जो कि प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है, जबकि यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 कंट्रीज के बीच, जिसे मास्टर्स ट्रीटी के द्वारा क्रिएट किया गया था जो नवंबर 1st 1993 में फोर्स में आई थी। और इसका मेन पर्पस यूरोप के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहांस करना था एक सिंगल करेंसी यूरो को इफेक्ट मिलाकर। तो इन कंक्लूजन यूरोपियन यूनियन एक प्रकार का ग्रुप है, एक प्रकार का ब्लॉक है, जबकि यूरोप एक ज्योग्राफिकल लैंडमास। और यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है।